नमस्कार दोस्तों, GMCH यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसे GMCH 32 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सभी मेडिकल सुविधाओं के साथ OPD सुविधा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि GMCH चंडीगढ़ में OPD के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। उस लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इसे आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। अगर आप हॉस्पिटल पहली बार जा रहे हैं तो आपको ई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप रीविजिट करना चाहते हैं तो आपको रीविजिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अपने अनुसार ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले डिटेल को फिल करना है। जैसे सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम फिल करना है, इसके बाद आपको पेशेंट के फादर या हस्बैंड का नाम फिल करना है और इसके बाद पेशेंट का जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर आपको पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके बाद पेशेंट का एज ऑटो फिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको पर मंथ इनकम फिल करना है और फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। अगर आपके पास ESI नंबर है तो यहाँ पर आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। अगर आप या आपके माता पिता या हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना है जिस डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेना है। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट का डेट सेलेक्ट करना है। अगर आप इस डिपार्टमेंट का शेड्यूल देखना चाहते हैं तो आपको डे वाइज डॉक्टर लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट का OPD किस दिन लगता है। तो दोस्तों, इसे क्लोज करते हैं और अब आपको सेलेक्ट डॉक्टर एंड टाइम स्लॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद उस दिन का अपॉइंटमेंट स्टेटस शो हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 लाइन फर्स्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट स्टेटस है और लास्ट 3 लाइन दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट स्टेटस है। अब आपको अपने कन्वीनियंट टाइम के अनुसार दिए हुए टाइम स्लॉट के अनुसार बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा, यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट टाइम और अपॉइंटमेंट डेट कन्फर्म करना है और कन्फर्म करने के लिए ओके करना है। अब जैसा आप देख सकते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है यानी कंफर्म हो चुका है। इसके बाद आपको इस अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अपॉइंटमेंट डेट के दिन अपॉइंटमेंट स्लिप के प्रिंट आउट के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ जाना है और इस अपॉइंटमेंट स्लिप में दिए हुए रिपोर्टिंग प्लेस पर आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद आपको OPD कार्ड मिल जाएगा और फिर आप डॉक्टर से दिखा पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।